और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उज्जैन में महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए अपने 3 साथियों के साथ विकास दुबे आया था। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में सुरक्षा कर्मियों के बीच जोर से चिल्ला कर अपना नाम ले रहा था। जानकारी मिलने पर तत्काल महाकाल पुलिस को सूचना दी गई। ये भी बताया जा रहा है कि विकास दुबे अपने साथियों के एनकाउंटर से डरा हुआ था, इसी के चलते सिलेंडर के प्रयास कर रहा था। फिलहाल पुलिस हिरासत में विकास दुबे मामले की जाँच में जुटी है। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की हिरासत में है। गिरफ्तारी कैसे हुई है इसकी पुष्टि नहीं की है। क्रूरता की हदें पार कर चुका था। वारदात होने के बाद से ही हमने मध्य प्रदेश को अलर्ट पर रखा था। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी, और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हम पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीज़ों को पता करने दो। पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है, और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था, और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? चूंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा था, और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।